2000 years later. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। काफ़ी दिन के बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बीमार थी। कुछ दिन तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, मतलब चक्कर आ रही थी, मतलब कमजोरी बहुत फीलिंग हो रही थी, मतलब और लो प्रेशर हो गया मेरा। और इसके बाद मैं डॉक्टर दिखाई और डॉक्टर दिखाने के बाद दवाई दिया और इसमें कुछ टेस्ट भी दिया है, तो थायराइड के प्रॉब्लम की वजह से मेरे यही सब मतलब हो रहा है, कुछ अप डाउन हो रहा है प्रेशर। तो इसके कारण मैं डॉक्टर दिखाई थी तो डॉक्टर दवाई दिया और टेस्ट उच दिया है सब कुछ, तो अभी ठीक हूँ थोड़ा सा। तो इसलिए मैं बोला आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। तो गाइस, अभी सुबह सुबह बहुत सारे काम हो गए हैं ऐसे घर का, मतलब सुबह उठ के मैं एक बार नहाती हूँ और नहा के फिर मतलब सुबह उठ के एक बार जब बाथरूम में फ्रेश होके फिर नहा के मतलब खाना वाना बनाती हूँ और सबको, स्कूल बच्चों को, हस्बैंड को भी, जाने के बाद फिर मैं एक्सरसाइज वॉकिंग करने के बाद ये सब काम में आती हूँ। तो देखो ये सब मेरा हो गया है और अभी आके मैं बिस्तर साफ कर रही हूँ। और ये चार में इतना सारा कपड़ा हमेशा पड़ा रहता है क्योंकि डेली कपड़ा मतलब इतना सारा धोते हो भी जाता है, इतना बच्चों का स्कूल का डेली कपड़ा होता है तो ये सब डेली धोना होता है क्योंकि गर्मी है बहुत और पसीना से मतलब एक बिक जाता है और इतना बदबू होने लगता है, तो इसलिए सब कपड़ा डेली धो के इतना सारा कपड़ा हो जाता है। तो ये मैं डेली तय करके रखूँ फिर भी ये इसे चार में पूरा फुल हो जाता है। तो इसके बाद मैं सब कपड़ा फोल्ड करके इधर बिस्तर में ही रखा हुआ है और फिर मैं ये ऑर्गेनाइज़र मेरा कॉस्मेटिक सामान जितने हैं सब वो सब साफ़ कर लिया, वहाँ पर झाड़ झूड़ दिया और अभी आई हुई है टेबल, और टेबल भी झाड़ लिया और इसके बाद टीवी, कैबिनेट, मतलब एक एक करके घर का जितना इस घर में जितना सामान है सब साफ कर लिया। तो गाइस आज इरादा है घर का ये मतलब हमारे बेडरूम का पूरा मतलब साफ़ करेंगे और बहुत बहुत ज़्यादा इसका क्लीनिंग करेंगे, मतलब ऐसे तो डेली करती हूँ और मैं सोचा आज थोड़ा सा ये दो तीन दिन नहीं हो पा रहे थे क्योंकि मैं तबीयत ख़राब थी, तो इसी कारण तो मैं एक के बाद एक करके अभी घर में झाड़ू लगा रही हूँ, पूरे घर में झाड़ू लगा रही हूँ, अभी किचन में लगा रही हूँ। तो किचन का मतलब डीप क्लीनिंग नहीं किया है, वो भी करना पड़ेगा और ख़ास करके ये कुछ दिन हमारा ये क्लीनिंग का वीडियो आएगा ज़्यादातर क्योंकि अभी हमारे पूजा आ रही है तो इसके कारण हमारी क्लीनिंग ब्लॉग जो वो आते रहेगा। तो आगे मैं आज मतलब एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ, मैं ये अलमारी को पूरा साफ करना है और इसका जितना भी पुराना कपड़ा है मतलब हम यूज़ नहीं करते, छोटे हो गए बच्चे का कपड़ा, तो सब मैं आज निकाल लूँगी और सब साफ करके और सब अलग अलग करके रखती हूँ। देखो इसमें मतलब एक ही अलमारी है हमारी और बहुत सारे कपड़े होते हैं क्योंकि हम चार जन हैं और एक ही अलमारी है, और पता है हम सिलचर में जब थे तो वहाँ पर तो दो तीन और भी अलमारी है, मतलब शोकेज है और भी रखा हुआ सामान, तो उसमें हो जाता था कपड़ा अलग अलग करके, और यहाँ पर सब एक में ही रखना होता है तो सब मैसी हो जाती है, मतलब एक के ऊपर एक हो जाता है, बच्चे एक निकालते हैं तो एक के ऊपर एक ऐसे ही मतलब पूरा मिक्स हो जाता था, मिक्स हो गया है। तो अभी एक के बाद एक मैं सब निकाल के और सबको अलग अलग करके रख रही हूँ। और ये जो देख रहे हो ये स्कर्ट है, तो ये ललिका है, मेरी भैया ने दिया है इसको, तो ये पहनी एक बार ही पहनी है और अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है घर में, तो काफ़ी सुंदर है, मैं सोची मैं भी पहन लूँगी इसको, वो पहनती नहीं है बहुत कम ही, एक बार ही पहनी थी, तो देखूंगी अब पहनूंगी या नहीं। और ये देखो मेरे ब्लाउज पीस है, कुछ ब्लाउज पीस ये बनाए नहीं है, मैं बनवाऊंगी इसको इनको, और मुझे भी आता है लेकिन मैं मशीन नहीं लाई हूँ तो इसके कारण मुझे सिलाई करना अभी तो नहीं हो पा रहा है, तो मैं अगर सोच रही हूँ अगर मशीन ले लेती तो सिलाई भी आप देख सकते हो मेरा। तो मैं क्या करके ये सब मनु का कपड़ा है अलग कर रही हूँ, मैं मनु का कपड़ा अलग रखूँगी और लाली का कपड़ा अलग रखूँगी, मेरे कपड़ा अलग, उनकी कपड़ा अलग, तो सब ही मैंने पॉलीथीन में पैक कर दिया क्योंकि फिर भी अगर पॉलीथीन में रहता है तो एक साथ रहता है तो अच्छा अच्छे से रहता है, नहीं तो सब और भी ख़राब कर देते हैं।
मतलब एक के एक निकालते हैं तो तीन चार ऐसे ही खराब हो जाता है, गिर जाता है, वो तो आपको पता ही है। और अभी आगे ये नीचे के सेक्शन में, नीचे के सेक्शन में एकदम मतलब ये कपड़ा रहता है, घुसा हुआ कपड़ा रहता है, मतलब इसमें ठसा करके मतलब ऐसे बोलते हैं। तो इसमें क्या है मतलब डेली कपड़ा, डेली जो हम पहनते हैं तो ये कपड़ा यहाँ पर ही रखते हैं नीचे वाले सेक्शन में और बेड कवर वगैरह ये सब। तो इसमें ऐसा कपड़ा मतलब बच्चे निकालते हैं तो जल्दीबाजी में तो एक के ऊपर एक गिर जाता है, तो सब ऐसे ठूस के रखते हैं। तो मैं इसमें से कुछ ऐसे कपड़ा है छोटे हो गया है और कुछ कपड़ा मतलब पुराने हो गए, तो ये सब मैं अलग कर रही हूँ। जो यूज़ करना है ये रखा है, जो यूज़ नहीं करना है ये सब अलग कर रही हूँ। तो एक एक करके मैंने सब कर लिया है, मतलब सब बहुत टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा टाइम, लेकिन वीडियो में तो इतना ज़्यादा टाइम दिखाएंगे तो दो तीन घंटा तो लग ही जाएगा, तो इसलिए नहीं दिखा रही, तो शॉर्ट करके दिखा रही हूँ। तो कहते इसमें एक पॉलीथिन में मैंने रखा हुआ है मेरे मोजा जितने भी है वो, मैं देखो ये मोजा एक मतलब दो मोजा एक साथ गिट्टे लगा के रखती हूँ, क्योंकि मतलब गुम हो जाता है ना मोजा, फिर ढूंढ ढूंढ के नहीं मिलता। और हमारे तो ऐसे है कि अलमारी है तो इसमें सब समेटना पड़ता है, क्योंकि दो तीन हम रखते नहीं क्योंकि हमारे परेशानी होती है, ऐसे ऐसे जाते हैं दो तीन साल के बाद, तो इसलिए कम ही सामान रखते हैं जितना चाहे मतलब जितना हो सके हम कम ही सामान रखते हैं, तो इसलिए इसमें ही एडजस्ट करना पड़ता है। और इसमें से मतलब जो कपड़ा रखने का वाला जो होता है, जो बॉक्स होता है, वो मैंने नहीं लाती हूँ मैं ये सब ऑर्गेनाइजर नहीं रहती हूँ, क्योंकि ये सब मतलब इससे चीज़ों ने मतलब जगह ज़्यादा लेता है, तो इसलिए हमारा ज़्यादा जगह है ही नहीं। तो गाइस अभी मेरे बहुत सारे काम कर रही हूँ ना, तो इसलिए चक्कर आ रही है, तो इसलिए मैं अभी ORS गूंद के पीऊँगी। तो अभी ORS गूंद के मैं एक बोतल में ही ले रही हूँ, मेरे ये जो बोतल में मैं पानी पीती हूँ, तो इस बोतल को भर के ले लेंगे एक लीटर पानी में, एक पैकेट गूंद के रख दूँगी और मैं पीती रहूँगी थोड़ी देर बाद बाद। गाइस मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। बिस्तर से भी उठा नहीं जा रहा था, ऐसा हालत हो गया था, उसके कारण और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है और इसके कारण और भी चक्कर आ रही है। तो गाइस ये देखो सब इतना कपड़ा छाट के निकाले हैं और इतना सारा निकला है। तो अभी मनु लली मेरे साथ दे रही है जो बैग है बैग में भरने के लिए, ये जो बैग है फ्लिपकार्ट से जो मेरे ग्रोसरी आता है तो इसका ही बैग है, तो ये काम आ गया है ना इसमें। तो ये देखो अभी हो गया है, तो ये रखूँगी ऐसे, तो कोई मैं से ऐसा अगर कोई पुराने कपड़े वाला लेने वाला आता है तो मैं उसको दे दूँगी। तो चलो आज के लिए वीडियो यहाँ पर एंड करते, ओके बाय।